give you the exact. Fear of failure is one of the biggest reason why many people don't try. कितने सारे लोग हैं जिनके पास कितने talents हैं, passions हैं, ideas हैं, thoughts हैं, but fear of failure है और उस वजह से वो एक step ही नहीं ले पाते. Now, the blame doesn't go to these people. The blame go to the culture. The blame goes to the environment. हमारा जो environment है, specially Indian environment, और अगर आप Marathi family से हो तो महाराष्ट्रियंस का भी एनवायरनमेंट थोड़ा ऐसा है कि अगर आप फेल हो जाते हो तो आपको प्रॉब्लम सबसे ज्यादा जो होता है वो होता है लोग क्या कहेंगे का. कि अगर लोगों को पता चला मैं फेल हो गया या मेरे फैमिली मुझे क्या बोलेगी, तो सबसे पहला जो इसका सॉल्यूशन है वो ये है कि ये चीज मन से निकालनी है. हम लोगों के लिए नहीं जीते हैं. हमारा लाइफ, हमारा करियर सिर्फ हमारे लिए और हमारे फैमिली के लिए है. नाउ I don't have to tell you this, that failures are the first stepping steps towards success. Today, I am able to guide people, thousands of people on success, on business, on startups. It's because I failed many times. I failed in 9th standard. I am an engineering dropout. I failed to crack at least first 10 interviews of my placement. Then I was fired from 2 companies of my life. I was fired from a company where I signed 3 years ka contract. I failed many times in lot of hiring good people. I hired wrong people many times. I onboarded wrong co-founders. I have taken money from wrong investors. I failed many times. But because of those failures, today all of my mentees, my students, all those who become part of my training programs, all of them are successful because mere failures se unko seekhne mil raha hai. Interesting. और उनका फायदा हो रहा है जिसमें मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है. बट ऑफ कोर्स उन्हीं का जो प्रोफेशनल लेवल पे एंगेज होते हैं. सो फर्स्ट थिंग इज, लोग क्या कहेंगे, भाड़ में जाने दो, एक बार करके तो देखो, ऐसा सोच के तो देखो. सेकंड थिंग इज, इफ यू टेक कैलकुलेटेड रिस्क विथ द राइट गाइडेंस, देन आपके फेल होने के चांसेस कम है. ये बात खुद को समझाओ. अर्जुना और कृष्णा, अगर आपने महाभारत देखी होगी तो 5 पांडव की जो टीम थी वो कौरव से बहुत छोटी टीम थी इन टर्म्स ऑफ देयर बैंडविड्थ, इन टर्म्स ऑफ देयर उनके पास जितना वेपन्स था सब कुछ. बट उनके पास सारथी थे कृष्णा, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट सपोर्ट वो भी हारे ना. बहुत सारी गलतियां हुई, अभिमन्यु को गवाया उन्होंने, न जाने कितनी फेल्यूर्स हुए उनके भी. बट वो फेल्यूर्स से ही वो सीखे है. द इन्वेंटर ऑफ बल्ब, व्हाट इज हिज नेम यार, Thomas Edison, he failed 10,000 times. He said that I didn't fail 10,000 times. I learned 10,000 ways through which I can't make the bulb. So fear of failure ko overcome karne ke liye, same advice jo maine Iqbal ko di, wahi advice aapke liye hai, ke get into the right environment. Be with those people jinhone bahut sara failures dekha hai. आई थिंक अगर आप गणेश या पीयूष आप अगर हो तो मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा बाद में. यू कैन शेयर अबाउट योर जर्नी. आप भी फेल हुए हो, मैं भी फेल हुआ हूं. बट फियर ऑफ फेल्यूर, लोग क्या कहेंगे को साइड में निकालो. बी इन द राइट एनवायरमेंट एंड दैट्स हाउ यू आर गोना ओवरकम इट. और बेबी स्टेप्स लेना पड़ेगा, छोटा छोटा कुंजम कुंजम ट्राई करना पड़ेगा. बिकॉज ऑफ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग राघवेंद्र और अदर्स, मोस्ट ऑफ यू आर इधर फ्रॉम 8 to 10 ईयर्स और 15 ईयर्स जॉब में हो. ये जॉब के वजह से क्या है ना, जॉब ने आपको एक कंफर्ट जोन में डाल दिया है और वो कंफर्ट जोन के वजह से आपका डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी, आपके एक्शंस को ना कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है. आई मीन यू आर इन अ शेल एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर स्केर्ड, आपको डर लगता है. माई क्वेश्चन इज, किस बात को डर रहे हो? कोविड ने, लॉकडाउन ने अच्छे अच्छों को ये साबित कर दिया कि जॉब्स आर नॉट सिक्योर्ड. Be your own boss, be an entrepreneur. हम पिछले 4 सालों से लोगों को realize करवाने की कोशिश कर रहे हैं. बहुत कम लोगों को ये बात समझ में आई कि jobs जिसको वो secured बोलते हैं, वो jobs secured है ही नहीं. अगर वो secured होते तो आपको रातों रात fire नहीं किया जाता. I think there is someone in this group ना who is fired. And I'm पिछले कई webinars में, कई seminars में कितने सारे लोग आए मेरे पास. तो job कौन से आपके ये है? बस सवाल यह है कि आपको राइट डिसीजन राइट टाइम पे लेनी चाहिए और राइट लोगों के साथ जुड़ना चाहिए. एंड इफ यू वांट टू गेट इनटू बिजनेस देन यस, चांसेस ऑफ फेलिंग है.
लेकिन अगर गाइडेंस के साथ जाओगे तो नहीं है. आई फेल्ड इन माई फर्स्ट वेंचर बिकॉज देर वॉज लैक ऑफ गाइडेंस. टूडे आई सर्वाइव्ड. कोविड के 6-8 महीने हो गए हैं, स्टिल आई एम डूइंग अमेजिंग बिजनेस. आई डोंट नो इफ एनीबडी ऑफ यू वॉन्ट टू